वेलकम, हाउ टू हैव इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस। तो स्लाइट डाइग्रेशन है, रूटीन में मैं जो वीडियोस बनाता हूँ तो माय वीडियोस आर ऑन डेटा, इकोनोमेट्रिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, डेटा विजुलाइजेशन। तो यू कैन वॉच दोज वीडियोस टू लर्न दैट। लेकिन ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये बेसिकली सारी तकरीबन हर बंदा जो कि प्रेजेंटेशन करता है उसके लिए यूजफुल हो सकती है। तो रूटीन में जब हम प्रेजेंटेशंस करते हैं तो कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रेजेंटेशंस जो है वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ है, आपको देखना है कि जी आपने कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको पहले सोचना है जब आप प्रेजेंटेशन प्लानिंग प्रोसेस में। तो सबसे जो पहली चीज़ है जिसके बारे में आपने सोचना है कि जी आपके ऑडियंस कौन से हैं। क्या आप बिजनेस प्रेजेंटेशन कर रहे हैं? क्या आप जो है वो अपना रिसर्च थीसिस डिफेंड कर रहे हैं? क्या आप एक जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ को प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं? फिर ये जब बातें कि जी कलर स्कीम क्या होनी चाहिए, कमरे में लाइट ज़्यादा हो, कमरा बड़ा हो, छोटा हो, तो ये बातें बाद में देखते हैं। तो ऑडियंस जब आपके तय हो गए, जब आपको ये पता चल गया कि मैं एक ट्रेनिंग करवाने जा रहा हूँ, या मैं सीईओ को और अपने बोर्ड मेंबर्स को प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ, मैं कंट्री हेड को प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ, तो जब ये चीज़ें तय हो गई तो उससे अगला स्टेप हमें कौन सा सोचना है? उससे अगला स्टेप है, सोचिए, और वो है पर्पस ऑफ योर प्रेजेंटेशन। कि आप ये प्रेजेंटेशन क्यों देने जा रहे हैं? क्या आप कोई बिजनेस प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं? क्या आप अपने कॉन्सेप्ट को लोगों को बेसिकली मोटिवेट करने जा रहे हैं, या लोगों को दो चीज़ें हैं, एक है लोग सोचें कि हम ये करेंगे, एक है लोग के हम अब करने वाले हैं, करेंगे, बस अब हम वी आर मार्चिंग टूवर्ड्स टू डू दिस। जैसे इस प्रेजेंटेशन के बाद अगर आप ऐसी प्रेजेंटेशन बनाएं कि आप कहेंगे बस मुझे अब इसी तरह से ही या इससे बहुत कमाल की प्रेजेंटेशन बनानी है, तो आपका पर्पस क्या है? जब आपका पर्पस डिफाइन हो जाएगा तो नेक्स्ट चीज़ जो आएगी दैट इज़ आपको स्ट्रक्चर करना है अपनी प्रेजेंटेशन को। तो यूजुअली लोग इधर से स्लाइड्स ओपन करते हैं और इधर साथ में जो है वेबसाइट या अपना डॉक्यूमेंट और वहाँ से वो जो है करना शुरू कर देते हैं। प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल डू एनालॉग प्रेजेंटेशन। देर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर राइटिंग योर ऑल स्लाइड्स ऑन योर स्टिकी नोट्स और ऑन योर बोर्ड, डिवाइडिंग इट इनटू डिफरेंट पार्ट्स। तो ये आपने लाजमी एक्सरसाइज करनी है कि पहले उसको कॉन्सेप्चुलाइज करें ऑन पेपर, वहाँ पे आप अपनी सारी और उसके पार्ट्स बनाएं, कौन सा पार्ट है कौन सा नहीं है। जब आपका ये तय हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंटेशन, तो व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज कि आपने अपनी बिगिनिंग कैसे करनी है और एंड कैसे करना है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जी बिगनिंग आपकी ऐसी हो कि लोग एकदम से वाह यस, सेलफोन साइड पे, इंट्रो तो इम्पैक्ट, नीड, टाइमिंग, रेंज, ऑब्जेक्टिव्स, एंडिंग हो तो लोग कहें बस जैसा इन्होंने कह दिया वैसे हमने करना है, जो प्रोडक्ट इन्होंने बता दी वो हमने लेनी है, जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का जो है पाथ ही बता रहे होना चाहिए वैसा हमने बनाना है। तो ये जब आपके ऑब्जेक्टिव में होगा कि आपने बिगिन कैसे करना है, एंड आपका क्या होगा, तो उससे आपकी प्रेजेंटेशन मीनिंगफुल हो जाएगी। व्हाट नेक्स्ट दैट इज कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन में वो जो विजुअल्स डालने हैं, बात आएगी मार्टिन लूथर की, बात आएगी कुछ कोफी अनान की वीडियो इमेज की, बात आएगी, विल टॉक अबाउट दिस लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियोस में। तो आपने अपने विजुअल एड्स कौन से बनाने हैं? जो ग्राफ बनाना है क्या वो क्लियरली लेबल्ड है? क्या आपकी जो है वो जो आप इमेज इंसर्ट कर रहे हैं, क्या वो इमेज कोई मीनिंगफुल मैसेज दे रहा है नहीं दे रहा,
ये वो सारी चीजें हैं जो आपने हर स्लाइड पे बैठ के ऐसे सोचना है। अच्छा, क्या चीज की जा सकती है, क्या नहीं की जा सकती, क्या कम की जा सकती है, क्या जो है वो इसमें इंक्लूड की जा सकती है। इसके साथ साथ जो एक और इंपॉर्टेंट चीज यहीं पे आपने सोचनी है कि ऑडियंस किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ऑडियंस की क्वेरीज किस तरह की हो सकती हैं, तो वो आपने नोट डाउन करनी है ताकि आप उनके बारे में पहले से प्रिपेयर्ड हो। वेल, तो हमने ये चार पांच चीजें बहुत जबरदस्त तरीके से पहले सोच ली, कर ली, स्ट्रक्चर कर लिया। अभी प्रेजेंटेशंस कैसे बनानी है, कलर स्कीम्स क्या होनी है, दैट आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। जब आपने ये कर लिया तो व्हाट नेक्स्ट, एंड दैट्स योर फाइनल थिंग, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। नैन्सी डोल्टे जो है वो रेजोनेट स्लाइडोलॉजी उसकी बुक है, तो आप उसका ख्याल ये है कि 90 घंटे चाहिए एक घंटे की प्रेजेंटेशन के लिए। 2/3 एफर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्चिंग द प्रॉब्लम्स, रीडिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड ऑल दैट, एंड 1/3 एफर्ट शुड बी फॉर 30 आवर्स रफली फॉर स्लाइड प्रेजेंटेशन, फॉर योर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। और उसी 30 आवर्स में आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस दोस्तों के सामने कीजिए, प्रैक्टिस नहीं है तो कैमरा के सामने कीजिए। आप अपनी इस बात को सुनिए, बार बार रिपीट कीजिए। जब आप ये काम करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन हो जाएगी। अब हाउ टू अवॉइड डेथ बाई पावर पॉइंट, तो ये हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। Thank you for watching. Take care.